नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। आज हम कक्षा 10 का गणित पढ़ेंगे और उसका अध्याय 3 शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, या कहें अपन उसका एक इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ने वाले हैं कि अपन उसमें क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या अपन को मिलेगा। तो अपन उस शुरुआत उस चैप्टर के नाम से करते हैं। नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये इसका नाम है ना। अब एक एक करके इसके वर्ड को अपन समझते हैं। शुरुआत करेंगे वेरिएबल्स, वर्ड बाय वर्ड भी अगर अपन इसके नाम को समझ लेते हैं तो अपन इतना समझ लेंगे कि चैप्टर में अपन को क्या क्या मिलने वाला है। शुरुआत अपन वेरिएबल से करेंगे। वेरिएबल जिनको हिंदी में कहा जाता है चर राशियां, है ना। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर आपने वेरिएबल, कॉन्स्टेंट वैल्यू, रियल नंबर ये सब पढ़ रखे हैं तो आप पहली बार में समझ गए होंगे वेरिएबल क्या है। और अगर आप नहीं भी समझे हैं तो आप हमारा पिछला बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां भी मैंने यहाँ वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट वैल्यू ये सब इससे रिलेटेड सभी नंबर्स मैंने समझाए हैं। और अगर आप इतना टाइम भी खर्च करना नहीं चाहते हैं तो आप यहां भी एक मोटा मोटा रिवीजन समझ सकते हैं, हम कर लेते हैं, समझ लेंगे। वेरिएबल्स वो सभी नंबर होते हैं जिनका कोई एक निश्चित मान नहीं होता। हर एक इक्वेशन, हर एक परिस्थिति के हिसाब से इनका मान जो है वो बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है? अगर आपने, जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त की आयु मैं गैस करूं, है ना, मुझे नहीं मालूम कितनी है, लेकिन अगर अलग अलग सिचुएशन में कहा जाए तो मैं उसकी आयु गैस करूं कि उसने कहा कि 4 साल पहले मेरी इतनी आयु थी, आज की आयु बताओ, तो मैं आज की आयु अगर मैं x गैस करूं तो ये मैंने x गैस किया, x गैस कर लूं, मैं x मान लूं, y मान लूं, z मान लूं, तो ये जो x आता है, y आता है, z आता है, p q r s t a b c d जो भी अल्फाबेट अपन इंग्लिश का मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं वो सभी वेरिएबल्स कहलाते हैं, या कहें कि ये चर राशियां कहलाती हैं जिनके मान जगह जगह इक्वेशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो ये तो हो गई वेरिएबल्स की बात, है ना। अब टू वेरिएबल्स, है ना, दो वेरिएबल होंगे, इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन वो कथन या वो स्टेटमेंट होता है जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। बराबर के इस तरफ का, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड का और RHS, ये दोनों बराबर होते हैं। LHS और RHS, ये बीच में इनके बराबर होता है और ये दोनों बराबर होते हैं। ये इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट जो होता है वो इक्वेशन कहलाता है। अब जाहिर सी बात है दो वेरिएबल की बात हो रही है तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, एक्स वाई हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, बी सी हो सकते हैं, पी क्यू आर एस टी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग वेरिएबल होंगे। ऐसा नहीं कि एक्स एक्स हो, वाई वाई हो, ऐसा नहीं हो सकता, दो अलग अलग वेरिएबल होंगे। तो यहां तक तो अपन समझ चुके। अब बारी आती है लीनियर शब्द की। ये लीनियर, या बहुत से लोग इसको लाइनर भी बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं, बोलना नहीं है, स्पेलिंग तो यही है, इसका मतलब भी वही रहेगा। मतलब क्या होता है? वो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का वो मतलब होता है कि वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर, या कहें उस इक्वेशन की डिग्री 1 हो। अब ये डिग्री क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी इक्वेशन लिखी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, मैंने ये लिखा, इस इक्वेशन की वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 2 है, है ना, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, है ना। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती समीकरण। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी x प्लस वाई लिखा हो, या x प्लस 1 लिखा हो, या a प्लस बी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 हो, तो वो लीनियर कहलाएगी। अब लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल में होगी, है ना। और अब बात की जा रही है पेयर की, यानी इनका क्या होगा? जोड़ा होगा, पेयर होगा, दो इक्वेशन होंगी, है ना, जो हमें सॉल्व करनी होंगी। अगर आपको 9th क्लास का याद है तो 9th क्लास में हमें कुछ इस प्रकार की इक्वेशन दी जाती थी, x plus y is equal to 3, या कहें x plus y is equal to 5, इस प्रकार की इक्वेशन दी जाती थी और एक ही इक्वेशन दी जाती थी, यहां से इसका नाम होता था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर नहीं आया था। अब 10th में ये पेयर भी आ गया, यानी हमें पहले एक इक्वेशन सॉल्व किए, अब हम दो दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने की बात आई है तो सॉल्व करने के लिए कुछ तो मेथड होती होगी, तो
जैसा कि अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, अपन इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे, उसी से एक काल्पनिक मान रखते थे अपन अपना, एक रिलेवेंट जो अपन ग्राफ पे शो करें, ऐसा नहीं कि कुछ भी मान के रख लिया, ऐसा रिलेवेंट मान रखते थे जिससे कि अपन एक ऐसी वैल्यू निकाल सके जिसे अपन ग्राफ पे शो कर सके। तो ग्राफ मेथड तो अपन 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं और अपन अभी 10th में भी इसको पढ़ेंगे आगे चल के, और इसके अलावा भी एल्जेब्रिक मेथड्स होती हैं। अब एल्जेब्रिक मेथड में भी तीन तरह की मेथड होती हैं। वो तीन तरह की मेथड कौन कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूशन होती है, एलिमिनेशन होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, जिनको अपन आने वाली एक्सरसाइजेस में पढ़ेंगे। तो आज अपन ग्राफ मेथड से थोड़ा रूबरू होके आगे बढ़ेंगे। तो ग्राफिकल मेथड पर बढ़ने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आखिरकार दिखते कैसे हैं, यानी कि ये इक्वेशन जिनके बारे में अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं ये कैसे दिखते, कैसा होता है इनका पेयर, कैसे नजर आते हैं। तो आप बुक में कुछ इस तरह से देखेंगे कि ये एक 2x + 3y = 4, ये इस तरह के इक्वेशन आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, है ना। कई बार आप ऐसा भी देखेंगे +4 = 0, ऐसा भी हो सकता है। ये आप पिछली क्लासेस में इनको पढ़ चुके हैं, यानी कि 9th क्लास में आप इस तरह की इक्वेशन पढ़ चुके हैं। अब यहां हमें इसका एक जोड़ा मिलने वाला है, जोड़ा यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही, अकेले ये जो x और y के साथ की जो कांस्टेंट वैल्यू रियल नंबर्स वाली वैल्यू है वो चेंज हो जाएंगी, बाकी वेरिएबल यही किए रहेंगे, वेरिएबल नहीं बदलेंगे। ध्यान रहे, अगर पहले वाली इक्वेशन में एक्स वाई यूज हुए हैं तो दूसरा जो उसका साथी होगा, साथी जो होगा उसमें भी एक्स वाई का ही इस्तेमाल होगा। ए बी सी डी पी क्यू आर है तो फिर वो अलग ग्रुप हो जाएगा उसका। ये अगर एक्स वाई में है तो अगला वाला भी x + 9y - 5 = 0 कुछ इस तरह की शक्ल में होगा, यानी एक्स वाई में ही होगा, पी क्यू आर में नहीं होगा। अगर ये पहला वाला पी है, ये क्यू है, तो ये भी फिर पी और ये क्यू बनेगा, है ना, कुछ इस तरह के हमें दिखेंगे। अब अगर आपको इनकी ग्राफिकल मेथड समझनी है तो सबसे पहले आपको यह सीखना चाहिए कि कोई अगर स्टेटमेंट दिया हो तो उस स्टेटमेंट को अपन कैसे किसी सवाल में चेंज करें, मतलब कैसे अपन इक्वेशन में चेंज करें। कोई स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो, आप उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही तो आप ग्राफिकल मेथड सीख पाएंगे। तो अपन सीधे सीधे आप आते हैं सीधे इसी चीज पे कि किसी स्टेटमेंट को किसी इक्वेशन में अपन कैसे चेंज करते हैं। बस आप मेरे शब्द पकड़ के चलिए, आप बहुत अच्छे से इक्वेशन स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए अपन सीधे सीधे आते हैं प्रश्नावली 3.1 या कहें एक्सरसाइज 3.1 पर। किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशन में दिखाने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? सबसे बेस्ट तरीका होता है उस सिचुएशन में, उस स्टेटमेंट में खुद को इमेजिन कर लेना, है ना। आप अगर वो सेट ऑफ माइंड पकड़ लेते हैं तो आप उस इक्वेशन को आसानी से बना सकते हैं। अभी पकड़ना कैसे है भाई, देखिए इसके लिए अपन 3.1 का पहला सवाल पढ़ते हैं। पहले सवाल में एक आफताब नाम का बंदा है। अब आप एक काम कीजिए, अपने आप को आफताब मान लीजिए। वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी मैं उसका 7 गुना था, है ना, और अब 3 साल बाद आप जितनी एज की हो जाओगी मैं उसका 3 गुना हो जाऊंगा, है ना। अपन को उनकी प्रेजेंट एज के मुताबिक उनको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से दिखाना है। 7 साल पहले की भी बात हो रही है, 3 साल बाद की भी बात हो रही है, तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट एज को तो कम से कम कंसीडर अपन को सपोज तो करना पड़ेगा कि प्रेजेंट एज क्या होगी। तो भाई अपन इसके लिए सपोज कर लेते हैं, हमने सपोज किया कि आफताब प्रेजेंट एज, है ना, आप अपने मुताबिक इसको जमा सकते हैं। मैंने माना आफताब की क्या एज है, एक्स ईयर्स। आप x की जगह भी कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि x मैंने माना आप भी x ही मान लें, a माने b माने कुछ भी माने, a b c d में से कुछ भी मान लें। इसके बाद हम आफताब की डॉटर की लिखें, तो मैं यहां सिर्फ डॉटर लिख रहा हूं, आप पूरा पूरा लिख सकते हैं, वो मैंने माना y years, ठीक है, आफताब की x years, उसकी डॉटर की y years। अब बात हो रही है कितने 7 साल पहले की, कितने 7 years ago, 7 साल पहले। अब अगर 7 साल पहले आप मेरी एज में से भी माइनस करेंगे या अपनी खुद की एज में से भी माइनस करेंगे तो 7 आपको माइनस ही करने पड़ेंगे, तब आप 7 साल पहले की एज की बात कर पाएंगे।
तो अपने पास इनकी ये जो एज है अपन इनमें से 7 साल माइनस कर देते हैं, यानी आफताब की एज x माइनस 7 हो जाएगी और उसकी बेटी की एज y माइनस 7 हो जाएगी, है ना। अब ये जो हमने बराबर बीच में लगा दिया है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें इनमें कुछ तो चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर तो नहीं है। ये कैसे हैं? अमाउंट में ये ज्यादा है, यानी आफताब की एज उसकी बेटी की एज से ज्यादा है, 7 गुना ज्यादा है, है ना। अब अगर ये 7 गुना ज्यादा है तो हमें 7 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर इसमें क्यों करना पड़ेंगे? आप एक तराजू के माध्यम से सोचिए, जैसे मान लीजिए तराजू के दो पलड़े हुए हैं, अगर ये वाला पलड़ा भारी है तो हल्के वाले पलड़े में हमें वजन बढ़ाना पड़ेगा जब जाके ये सामान आएंगे, यानी ये वाला पलड़ा भी भारी है, बराबर लाने के लिए हमें इस वाले पलड़े में उतना ही वेट डालना पड़ेगा जितना ये भारी है। ये 7 गुना ज्यादा है तो 7 का गुणा हम इसमें कर देंगे, है ना। अब ये x माइनस वाई तो वैसा ही रहेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन के लिए कुछ है नहीं, यहां हमारे पास है, हम 7 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ये हो जाएगा 7y माइनस 7 × 7 = 49। ओके, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन इन दोनों को बॉर्डर पार कराएं या सिर्फ वेरिएबल को बॉर्डर पार कराएं, है ना। अपन वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ ले लेते हैं और जो रियल नंबर है उनको एक तरफ ले लेते हैं। अपन 7 को यहां लेके आएंगे, x यही रहेगा, 7 जैसे इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 7y हो जाएगा, यहां प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा यानी 7 यहां जाएगा, माइनस 49 वैसा का वैसा ही रहेगा और ये 7 जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। x माइनस 7 बराबर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 42, क्योंकि बड़ा 49 है और माइनस में है और माइनस प्लस घट जाएंगे, 49 में 7 जाएंगे 42 आएगा और बड़ा 49 है माइनस में है, तो माइनस का साइन आएगा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई, है ना। उम्मीद है आपको पहली इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, अब अपन इसकी दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए हमें दूसरी सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अब आफताब ने दूसरी सिचुएशन क्या दी है, 3 साल बाद की, यानी कि उसने कहा अपनी बेटी से कि 3 साल बाद जितनी तुम्हारी एज होगी उससे मेरी एज तुमसे 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। अब अगर पहले में हम 7 माइनस कर सकते हैं तो आगे 3 साल आगे की अगर हम बात करेंगे तो हमें 3 साल प्लस करने पड़ेंगे, तो 3 years फ्रॉम नाउ। आप इसकी जगह कोई सा भी सेंटेंस लिख सकते हैं, है ना, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से लिख रहा हूं। आफताब की एज x प्लस 3 होगी, जब बाद की बात की जाए तो आप हमेशा प्लस ही करें और पहले की बात की जाए तो आप माइनस करें, बिल्कुल बेधड़क आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद उसकी बेटी की एज की बात की जा रही है तो वो y प्लस 3 होगी। अब ये हमने बराबर का साइन लगाया है, बराबर का साइन हमें सेटिस्फाई तो करना ही है, यानी कि अब हमें इतना मालूम है कि आफताब की एज ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 3 गुना है, ये खुद सवाल में उसने बोला है। अगर 3 गुना ये ज्यादा है तो जैसी पिछली सिचुएशन में हमने 7 गुना ज्यादा होने पर इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया था, वैसे अगर ये 3 गुना ज्यादा है तो हमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई इस तरफ करना पड़ेगा, है ना। अगर हमें दोनों को बराबर लेके आना है, ये तो पहले से 3 गुना है, इसको 3 गुना करना पड़ेगा। अब ये अपन वैसे का वैसा उतार देंगे, है ना, इसमें हम अंदर कैलकुलेशन करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई y में तो 3y, 3 का मल्टीप्लाई 3 में तो 3 × 3 = 9, इतना हो जाएगा। इसके बाद हम वेरिएबल एक तरफ ले लेंगे और रियल नंबर से एक तरफ ले लेंगे, इसको यहां लेके आएंगे x, ये 3y यहां आएगा तो यहां से प्लस में था, इस तरफ आएगा माइनस में तो 3y, फिर 3 वहां जाएगा तो 9 - 3 ये प्लस में है, यहां जाते ही साथ माइनस का हो जाएगा, फिर x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो पिछली और ये वाली दोनों इक्वेशंस को आप एक तरफ नोट कर लें, क्योंकि अब अपन इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो अगर आपको क्लास 9th याद हो तो आपको इतना तो जरूर पता होगा कि इनको ग्राफ पे दिखाने के लिए हमें सबसे पहले इनकी कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट्स या कहें कि x और y की हमें वैल्यूज निकालनी होंगी। अब ये वैल्यूज हम कैसे निकालते थे, वैल्यूज हम x या y की एक काल्पनिक मान जो अपनी तरफ से हम कुछ भी मानते थे और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग x या y जो भी हमने से मान लीजिए x का कुछ माना था
उसके बेसिस पे हम वाई की एक वैल्यू निकाल लेते थे, लेकिन एक्स की हम एक रिलेवेंट वैल्यू रखते थे, रिलेवेंट यानी उसको हम ग्राफ पे शो कर सके, एक्स की वो वैल्यू रखने पर हम ग्राफ पे उसको शो कर सके, ऐसी हम वैल्यू लेते थे, है ना। तो यहां हम एक्स और वाई की दो अलग अलग वैल्यू के लिए एक डिब्बा बना लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही ले सकते हैं, हम दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, एक्स और वाई। सबसे पहले अब आप एक एक करके देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर अगर वाई की वैल्यू वन रखता हूं, है ना, तो यहां पर वाई की वैल्यू वन रखूं तो सेवन वन जा सेवन, यहां केवल सेवन ही बचेगा, ये सेवन उस तरफ जाएगा तो प्लस में सेवन आएगा, प्लस का सेवन आएगा तो ये इसमें से माइनस होगा, और यहां पे इधर से घटने पे ये 35 बचेगा, वो भी माइनस का, है ना। अब ये माइनस का 35 ग्राफ पे कहां लिए घूमेंगे भाई, इतना लंबा तो बोर्ड भी नहीं कि मैं 35 तक जाऊं, नहीं जा सकता ना। तो मैं ऐसी कोई वैल्यू लूंगा जो यहीं कहीं आसपास 10 के अंदर अंदर तक मिल जाए, क्योंकि इतना ही अपन यहां पे शो कर सकते हैं। सो मैं अब अगर यहां पे अगर आप यहां पे 7 ही रखें, है ना, क्या रख दें, y की वैल्यू आप 7 रख दें, तो ये क्या होगा, x माइनस 7 इंटू 7 इज इक्वल टू माइनस 42, और x माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस 42, और x ये 49 इस तरफ जाएगा, इसका साइन अभी प्लस में है, सॉरी माइनस में है, यहां इस तरफ जाती साथ ये प्लस में हो जाएगा, 42 प्लस 49। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसमें से ये घट जाएगा, जब घटेगा तो कितना आएगा अपने पास, प्लस का ही 7 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा है 49, 49 का साइन आएगा, 49 के साइन में प्लस साइन में है तो प्लस का साइन आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 7। उम्मीद है आपको इतना इतना समझ में आ गया होगा। अब आप इसी में देखें, है ना, यही मैं आपको वैल्यू चेंज करके दिखाऊंगा। तो अगर मैं इसकी जगह अब मैं 6 रख दूं, है ना, अगर मैं 6 रख दूं तो ये वैल्यू हो जाती है 42, है ना, और 42 उस तरफ जाए तो ये 42 प्लस 42 माइनस 42 क्या बचेगा, 0। क्या रखा मैंने, 6। अगर मैं y की वैल्यू 6 रख दूं तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये दो वैल्यू मैंने x और y की निकाल ली, रिलेवेंट वैल्यू निकाली, यानी कि मैं इसको ग्राफ में शो कर सकता हूं, है ना। अब अपन दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे नंबर के लिए भी हम अपन एक डिब्बा बना लेते हैं, है ना। डिब्बे में हम x और y को रख देते हैं, x अलग y अलग, अब हम इनकी एक रिलेवेंट वैल्यू रखेंगे। जैसे अब अगर आप y की देखें, है ना, y की अगर मैं यहां पर 0 रख देता हूं, y की अगर मैं वैल्यू 0 रख दूं तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 3 इंटू 0 बचेगा, और x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू 6 ही बचेगा सिर्फ, है ना। और यदि मैं, अब ये तो एक वैल्यू आ गई मेरे पास रिलेवेंट, अब अगर मुझे दूसरी वैल्यू निकालनी तब मैं क्या करूंगा, तब मैं अगर यहां पे आप 2 रख दें तो ये 3 2 6 हो जाएगा, और ये यहां जाके प्लस तो 12 हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे माइनस का 2 रख दूंगा, माइनस का 2 रखूंगा तो क्या होगा, x माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 6 ये हो जाएगा, यानी x माइनस माइनस प्लस 32 जस 6 इज इक्वल टू 6। अब आप 6 वहां ले जाएं तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 6, यानी x इज इक्वल टू 0, यहां कितनी वैल्यू आ गई, 0। तो यहां पे मैंने अपने प्रेडिक्शन से कुछ वैल्यूज रख रख के एक कहें कि तो दो दो वैल्यू हमने x और y की दोनों इक्वेशंस की निकाल ली। अब इनको हम एक एक करके ग्राफ्स पे दिखाएंगे। तो अब अपन इस इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स को या कहें इसके सॉल्व को अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी इस इन दोनों इक्वेशन को ही अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन पहली इक्वेशन को देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 7 है, ध्यान रहे दोनों प्लस में है, अपन को इनके लिए x एक्सिस और y एक्सिस पे जाना पड़ेगा। ये जो इस तरह का है, ये वाला ये x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है, इसको अपन x अक्ष भी कह सकते हैं, y अक्ष भी कह सकते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले अपन x अक्ष पे देखते हैं, 7 कहां पे है, 7 यहां पे है, और y की वैल्यू कितनी है, 7। तो दोनों कहां पे मीट करेंगे, मेरे ख्याल से लगभग इधर पे मीट ये कर जाएंगे, तो ये हो गया 7 और 7 का एक पॉइंट यहां बना। दूसरा पॉइंट 0 और 6 का, यानी कि x की वैल्यू तो 0 है, यानी हमें x एक्सिस पे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है 0 पे, और y की वैल्यू कितनी है, 6, तो हम कहां आएंगे, यहां पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 0 और 6,
ये कुछ इस तरह से बन गई। अब इस इक्वेशन की आप लाइन खींच दीजिए, लाइन कुछ ऐसी खिंचेगी कि इधर से जाएगी और इधर ऐसी मिलती हुई निकल जाएगी, है ना। ये इसकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मेरे से तो पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं बनी है, आप इसको पूरी तरह से स्ट्रेट बना दीजिएगा। ये इस वाली इक्वेशन की हो गई। अब अगली पे आते हैं अपन। यहां आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कौन सी, एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस 42। अपन ने इसी इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, 6 और 0, यानी हमें एक्स एक्सिस पे 6 तक जाना है, वाई 0 है, यानी हम केवल यहां 6 तक ही जाएंगे, वाई पे कहीं भी, यहां ऊपर ना नीचे कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, 0 पे ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा 6 0, है ना। इसके बाद एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू माइनस का 2, यानी हमें एक्स एक्सिस पे आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि 0 है, वाई की वैल्यू माइनस 2 है, तो हम वाई एक्सिस पे माइनस की तरफ बढ़ेंगे। माइनस 2 कहां है, यहां है, यानी ये 0 माइनस 2 यहां पर मौजूद होगा। तो इसकी लाइन जो बनेगी इस पॉइंट से होती हुई इस पॉइंट को क्रॉस करके निकल जाएगी। ये वाली लाइन इस वाली इक्वेशन की होगी, तो इसके ऊपर अपन ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो गया इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं जो अभी तक आपने पढ़ लिया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो 3.1 के बाकी बचे के 2 सवाल आप करके देखें। यदि आपको समझ में आ जाते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, नहीं आते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर दीजिए ताकि हम उस पर एक और वीडियो बना सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और ज्यादा ही पसंद आ गई है तो इसे शेयर भी कर दीजिए, और जब लाइक और शेयर कर ही दिया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।